हाँ दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? तो ये बताइए, आप लोगों का खाना वाना बन गया? क्योंकि सुबह के बाद 9 बज गए हैं, खाना पीना खाना वाना तो बन ही गया होगा। हम भी अभी जस्ट खाना बना के और क्या कहते हैं कि अभी मसल हो रही हूँ, सोचा कि आप लोग से बात कर लूं। देख सकते हैं और खाने में बनाई हूँ आज मैं चावल और सब और मतलब कि ये चिकन है रात वाला, थोड़ा सा बच गया था तो उसे गर्म कर दी। हस्बैंड को खा के गए हस्बैंड को आज जल्दी ही जाना था। हम बाकी दिन क्या कहते हैं कि जो 9:30-10 बजे तक जाते थे, आज फोन आया तो सुबह के नहीं चले गए। बर्तन तो धोआ गया, अब मतलब कि गैस पोछ रही हूँ। ये देख सकते हैं आप, मैं गैस गैस को पोछ के रख लेती हूँ क्योंकि खाना बनाने के बाद तो जानते ही हैं गैस गंदा हो जाता है, गैस चूल्हा मतलब कि, तो उसे सोची पोछ लेती हूँ। चूल्हा तो अब पछा गया और अब जाऊंगी झाड़ू लगाने। ये देख सकते हैं अब जा रहे हूँ झाड़ू लगाएंगे। झाड़ू लगाने के बाद फिर सोचेंगे नहाने का। बेबी अभी देखिए सोई हुई है, तो जब उठ जाएगी तो फिर मुझे कुछ करने नहीं देगी सही ढंग से, इसलिए फटाफट अपना काम सारा कर लेती हूँ, नहीं तो वो उठ जाएगी तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। आज रूम पे कोई है भी नहीं जो उसे कोई संभालेगा कोई देखेगा, अकेले पड़ी हुई हूँ। लग गया, अब मैं झाड़ू लगा रही हूँ सब। झाड़ू लगा के सोच रही हूँ आज थोड़ा सा अगर बेबी सोई हुई रहेगी तो रूम भी धोऊंगी क्योंकि 2 दिन हो गया रूम नहीं धोया बेबी की वजह से, वो टाइम पे ही रोने लगती है इस वजह से रूम नहीं धोए। हम लोग दोस्तों देखिए, अब मेरा झाड़ू लग गया और अब इसको फेंक देती हूँ। उसको फेंक दिए, अब जा रही हूँ और जो कुछ काम बचे हुए हैं उसको ख़त्म कर देती हूँ। नहा था मैं, नहाने धोने से पहले ये तो साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद जाके बेसिन वगैरह हर चीज़ साफ करके उसके बाद जाके नहाती हूँ। क्योंकि गंदा हो जाने के बाद फिर मन नहीं मानता रहता है उसमें आके कुल्ला करे या मुँह धोए, बिल्कुल भी मन नहीं मानता है इसके वजह से। इसलिए मेरे हस्बैंड भी बोलता है कि कितना अच्छी हमेशा तुम ऐसे ही करती है, इसके वजह से तुमको लिख रहता है खाने उने में, लेकिन फिर भी मेरा आदत उठता नहीं है।
आदत पड़ा हुआ है, तो आदत कितना जल्दी कैसे इंसान का जाएगा वो आप भी समझ जाए होइएगा। हो गया दोस्तों मेरा बेसिन साफ, अब जाते हूँ छत पे, देखती हूँ जाके पानी वानी आया है कि नहीं, मोटर चल रहा होगा तो पानी लेके आऊँगी, उसके बाद नहाने जाऊँगी। लाला की बेबी तो मेरी सोई हुई है, मैं फटाफट हर चीज़ कर लेती हूँ। दोस्तों अभी हम नहा धो के आ गए, फ्री हो गया पूरी काम से, देख सकते हैं आप, खुद भी नहा धो के फ्री हो गई, और अब सिर्फ खाना खाना है, और टाइम हो गया है आपको 10:30 बज चुके हैं, और आज मैं थोड़ा जल्दी फ्री हो गई क्योंकि फटाफट सारा काम की हूँ इसके वजह से, जैसा कि आप लोग को बताया कि कोई है नहीं, और सारे काम से एकदम पूरी तरह से फ्री, अब कोई काम नहीं है, अब सिर्फ आराम से बैठना है और आप लोग से बात करना है, क्योंकि आप लोग से बात करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है कि मैं बता नहीं सकती। देखिए बेबी खेल रही है, उसको नीचे में रखे हुए हैं, वो खेल रही है और हम आप लोग से बात कर रहे हैं। अब थोड़ी देर में जाऊंगी छत पे घूमने, क्योंकि नहा के जो आई हूँ इसकी वजह से ठंडी लग रही है, सोचिए थोड़ा धूप में जाके धूप सेक लूँ, फिर जाके थोड़ा आराम कर लूँगी। देख सकते हैं दोस्तों अब खाना खाने के लिए रेडी है, जा रहे हैं अब खाना खाने, खाना खा के उसके बाद थोड़ा सा आराम कर लूँगी, खाना खा के आराम करना हमको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि चावल खाने के बाद थोड़ा सोचती हूँ कि थोड़ा सा सो जाऊँ, इसलिए सो जाती हूँ, जाती हूँ आराम करने पर नींद ही लग जाती है तो सो जाती हूँ। ये सब हमारी कहानी है, और फिलहाल के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, फिर हम आप लोग से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा प्लीज़। फिलहाल के लिए बाय बाय।